गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। ये स्टार्ट में पीछे क्लास में हम लोग ब्रीदिंग के बारे में पढ़े हैं, और एक बार हम रिपीट करते हैं कि ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन दो डिफरेंट चीज, दोनों में अंतर होता है। देखिए, ब्रीदिंग एक एक्सटर्नल प्रोसेस है और रिस्पायरेशन एक इंटरनल प्रोसेस है। तो सबसे पहले ब्रीदिंग क्या है? टू टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इट्स अ सिंपल प्रोसेस एंड इट्स एन एक्सटर्नल प्रोसेस कि हम अपने सराउंडिंग से, आसपास के एटमोसफियर से ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर रिलीज करते हैं। लेकिन जब हम रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत हम जो भोजन लेते हैं उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, और उस एनर्जी को हम लोग लाइफ प्रोसेस में लगाते हैं। वेरियस लाइफ प्रोसेस जो हमारा है उसके लिए हम उस एनर्जी का यूज करते हैं। तो ये जो आपका रिस्पायरेशन है यह एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। फूड से एनर्जी रिलीज करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं। देखिए, एक डायग्राम से यहाँ बताया गया है। फूड में मोस्टली ग्लूकोज जो एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है हमको, तो ग्लूकोज हम लोग लेते हैं और फिर ये ऑक्सीजन जाता है दोनों सेल के अंदर, और फिर यहाँ फूड का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स कि फूड का पार्शियली कंबसन होता है, आंशिक रूप से दहन होता है भोजन का। और चूंकि हम जो भोजन लेते हैं वह आप चाहे जिस भी तरह का भोजन ले रहे हैं वो सारा ऑर्गेनिक फूड ही होता है। किसी भी तरह का भोजन लें, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, वो ऑर्गेनिक फूड ही लेता है। ऑर्गेनिक फूड मतलब कार्बन युक्त भोजन ही लेता है। और जब उसका ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर फूड पहुंचता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है, और ये दोनों सेल के अंदर ऑक्सीडेशन करवाता है फूड का। फूड के ऑक्सीडेशन करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम रिलीज कर देते हैं, वाटर और साथ में एनर्जी, ये हमारा प्रोडक्ट देता है। ये सारी प्रक्रिया होती है सेल के अंदर। इसलिए हम लोग रिस्पायरेशन को कई बार सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं। रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन हम लोग इसलिए करते हैं कि ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस सेल के अंदर होता है। देखिए, यहाँ सेल के अंदर पहुंचता है फूड और सेल के अंदर पहुंचता है ऑक्सीजन। अब ये फूड और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी, फिर यह एनर्जी स्टोर हो जाता है इस सेल में और फिर हम अपने लाइफ प्रोसेस में उसको यूज करते हैं। एक सिंपल सा इक्वेशन है हमारा रिस्पायरेशन का, फूड प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे सेल में इंटर करता है और फिर हमारा प्रोडक्ट देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग दो टर्म एटीपी और एडीपी के बारे में पढ़ेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ओके, एटीपी हाई एनर्जी कंटेंट होता है। एक चीज आप याद रखिए, ये एटीपी बनता है सेल के अंदर, इसी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है सेल के अंदर, और एडीपी ये ऑलरेडी सेल में प्रेजेंट होता है, ये ऑलरेडी सेल में प्रेजेंट होता है एटीपी। और जब कभी हमको एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है और फिर हमको एनर्जी देता है। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि सेल में, देखिए, सेल में जो भी हम भोजन लेते हैं उससे जो एनर्जी हमको मिलती है उस सारी एनर्जी को हम लोग एक बार खत्म नहीं करते हैं, एक बार यूज नहीं होता है, तो बाकी बचे एनर्जी को सेल स्टोर करता है। किस तरह से स्टोर करता है सेल? जैसे रिस्पायरेशन हुआ आपका, रिस्पायरेशन होने के बाद आपने देखा कि प्रोडक्ट में एनर्जी आपको मिलता है,
अब रिस्पायरेशन के दरमियान जितने भी एनर्जी रिलीज हुए हैं वह सभी एट ए टाइम यूज होता नहीं है, वह लॉन्ग टाइम तक हमको रखना होता है ताकि हम उसको जरूरत पड़ने पर यूज कर सके। सेल में ऑलरेडी एटीपी प्रेजेंट होता है और यह एटीपी जब रिस्पायरेशन होता है और उस रिस्पायरेशन से हमको एनर्जी मिलता है सेल में उपस्थित फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ये एटीपी इस एनर्जी और फॉस्फेट के साथ एटीपी बनाता है, एटीपी जो कि हाई एनर्जी कंटेंट है और एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर होता है हमारे सेल में। देखिए यहाँ पी और स्मॉल आई हमने लिखा है, इसका मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और इसी फॉस्फेट के रूप में एनर्जी स्टोर होता है हमारे सेल में। ओके, तो ये क्लियर है कि एटीपी ऑलरेडी हमारे सेल में प्रेजेंट होता है और जब हम रिस्पायरेशन करते हैं उससे जो एनर्जी आती है वह एनर्जी इस एटीपी और फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है। रिस्पायरेशन के दरमियान जो भी एनर्जी आती है उस एनर्जी का यूज करके यह बनाता है एटीपी हाई एनर्जी कंटेंट और यही एटीपी हमारे सेल में स्टोर रहता है। अब जब कभी हमको जरूरत होती है एनर्जी की तब फिर से यह एटीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है और उस एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं, वो नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग देखेंगे। ये क्लियर है, एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इन द सेल ऑफ द बॉडी। रिस्पायरेशन के दरमियान जो भी एनर्जी रिलीज होता है वह हमारे सेल में किस फॉर्म में स्टोर होता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि हाई एनर्जी कंटेंट होता है। यह हमारे सेल में बनता है, बनने के बाद यह स्टोर हो जाता है और ऑलरेडी हमारे सेल में प्रेजेंट क्या होता है एटीपी, यह हमारे सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। The energy released during respiration is used to make ATP molecules from ATP and inorganic phosphate. ये हमारे सेल में ऑलरेडी हमारे सेल में यह प्रेजेंट होता है ATP phosphate। अब फिर सेल के अंदर रिस्पायरेशन हुआ, रिस्पायरेशन से जो एनर्जी निकला वह एनर्जी इसके साथ कंबाइन हो जाता है, कंबाइन होकर के ATP के फॉर्म में सेल में स्टोर होता है। अब जब कभी जरूरत होती है तब यह एटीपी फिर से कन्वर्ट होगा, नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग देखेंगे और हमको एनर्जी देता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो टर्म एटीपी क्या है, एडीपी क्या है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि ये हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। देखिए अब क्या है कि हमने देखा कि रिस्पायरेशन हमारा रिस्पायरेशन होता है, फिर वो रिस्पायरेशन से एनर्जी रिलीज होता है। अब जितना एनर्जी रिलीज होता है सबको हम लोग एक बार में खत्म नहीं करते हैं तो उसका क्या होता है, वह एनर्जी स्टोर होता है हमारे सेल में। किस फॉर्म में स्टोर होता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के रूप में यह एनर्जी हमारे सेल में स्टोर होता है। अब जब हमको एनर्जी की जरूरत होती है हमारे लाइफ एक्टिविटीज के लिए, जब हमको एनर्जी की जरूरत होती है तो फिर यही एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है, टूटने के बाद यह एडीपी बनाता है, फॉस्फेट बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है, यही टूट के करता है ये सारा चीज। तो देखिए व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी देन एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। अब जब जरूरत होती है हमको एनर्जी की, क्योंकि ये स्टोर्ड फॉर्म है, ये स्टोर्ड फॉर्म है, ये हमारे सेल में स्टोर है, हमारे रिस्पायरेशन के दरमियान जितना भी एनर्जी रिलीज हुआ तो एट ए टाइम जो हमने खर्च किया फिर जो बच गया वह स्टोर हो गया एटीपी के फॉर्म में हमारे सेल में। अब फिर हमको जरूरत है एनर्जी की तो यह वाटर का यूज करके एटीपी टूटेगा, टूटने के बाद फिर यह बनाएगा क्या एडीपी फॉस्फेट और यह एनर्जी रिलीज किया। अब यह एनर्जी सेल के यूज के लिए रिलीज हुआ, हमारे बॉडी के एक्टिविटी के लिए रिलीज हुआ और इस एनर्जी का यूज करके वेरियस लाइफ प्रोसेस कैरी आउट होता है। देखिए वास्तव में हम लोग एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी को कहते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आपने जितना अर्न किया वो सब एक बार तो आप खर्च करते नहीं है,
तो क्या करते हैं, जो आपके खर्च के लिए है उसको आप खर्च कर लेते हैं, बाकी जो बचता है उसको क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक के पास वो सुरक्षित रहता है। फिर जब कभी आपको जरूरत होता है तो आप क्या करते हैं, बैंक से उसको रिलीज करते हैं और खर्च करते हैं। द सेम वे यहाँ भी वही होता है कि हमने हमारे सेल में जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुआ उसमें एट ए टाइम जितना जरूरी है वह एनर्जी खर्च हुआ, बाकी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और फिर जब हमको जरूरत होती है नेक्स्ट टाइम जब हमको जरूरत होती है तो यही एटीपी टूटता है और टूटने के बाद एडीपी बनाता है, फॉस्फेट बनाता है और एनर्जी हमको देता है हमारे यूज के लिए। और देखिए ये ऑलरेडी हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, इतना चीज ऑलरेडी हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, बार बार ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है। और इसलिए एक खास इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी हमको याद रखना है कि एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल करते हैं, यह हमारे सेल का एनर्जी करेंसी है। एंड व्हेन एवर वी रिक्वायर्ड, जब हमको जरूरत होती है तो एटीपी टूटता है, एडीपी फॉस्फेट और एनर्जी हमको देता है, इस एनर्जी का हम लोग लाइफ प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको हमको समझ लेना जरूरी है, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में कितना एनर्जी रिलीज होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला ग्लूकोज जिसका ऑक्सीडेशन होता है, मोस्टली एनर्जी इसी से रिलीज होता है। देखिए ग्लूकोज एक 6 कार्बन एटम कंपाउंड है, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं, तो 6 कार्बन एटम कंपाउंड है हमारा ग्लूकोज। इट इज द सिंपलेस्ट फूड विच इज ऑक्सीडाइज इन द सेल, ग्लूकोज ही वह सबसे साधारण सिंपलेस्ट फूड है जिसका ऑक्सीडेशन हमारे सेल के अंदर होता है, इसी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। अब स्टेप बाय देखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है हमारे सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारा टर्म है पाइरूविक एसिड जिसको हम लोग पाइरूवेट कहते हैं, पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट, ये 3 कार्बन एटम कंपाउंड है जिसका ये फॉर्मूला, 3 कार्बन एटम कंपाउंड है ये पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट। देखिए ग्लूकोज सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है और टूटने के बाद ये बनता है पाइरूविक एसिड जो कि 3 कार्बन एटम कंपाउंड है, एक ग्लूकोज 6 कार्बन एटम कंपाउंड है और यह ग्लूकोज टूटता है पहले पाइरूविक एसिड में या पाइरूवेट में। यह टूटता कहाँ है, यह साइटोप्लाज्म में होता है, यह प्रोसेस हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म, और इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। पाइरूविक एसिड और पाइरूवेट 3 कार्बन एटम कंपाउंड्स, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किसमें, पाइरूविक एसिड में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ग्लूकोज टूट के बना क्या, पाइरूविक एसिड, और फिर यह प्रोसेस कहां हुआ, हमारे साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज टूटने के बाद फर्स्ट टाइम क्या बना, पाइरूविक एसिड 3 कार्बन एटम कंपाउंड्स, या इसी को हम लोग पाइरूवेट करते हैं, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है, कहां टूटता है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, हमारे साइटोप्लाज्म में, और पाइरूविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनता है, ये प्रोसेस होता है, पाइरूविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनता है, ये प्रोसेस होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लूकोज का जो पाइरूविक एसिड में कन्वर्जन है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पाइरूविक एसिड में, कहां कन्वर्ट होता है, यह हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अब ये पाइरूविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा कहां, माइटोकॉन्ड्रिया, ये पाइरूविक एसिड जो हमने बना, पाइरूविक एसिड बना कहां, साइटोप्लाज्म में, फिर ये पाइरूविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा हमारे साइटोप्लाज्म में। अगर उस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन वहां मौजूद है, अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो वहां पे एनर्जी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एटीपी बनेगा, और अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, वहां पे फिर ये पाइरूविक एसिड 2 चीज में कन्वर्ट हो सकता है, ये केस पे डिपेंड करता है, 2 चीज में कन्वर्ट हो सकता है, या तो लैक्टिक एसिड बन सकता है या फिर
आपका इथेनॉल बन सकता है, एल्कोहल बन सकता है, ये दोनों चीज। तो उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। पहले ये प्रोसेस जो सेल के अंदर क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का फर्स्ट टाइम पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होना, और यह कहां कन्वर्ट होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। यहां इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जब उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है तो दो मॉलिक्यूल का पाइरूविक एसिड बनता है, या दो मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड का या पाइरूवेट का बनता है, ठीक है। फिर हम लैक्टिक एसिड के बारे में थोड़ा सा बात करें। लैक्टिक एसिड इट इज अ थ्री कार्बन एटम कंपाउंड, लैक्टिक एसिड भी थ्री कार्बन एटम कंपाउंड है, इसको हम लोग लैक्टेट भी कहते हैं। अब फिर आगे हम लोग देखेंगे कि रिस्पायरेशन के टाइप्स क्या है और किस तरह से रिस्पायरेशन होता है, कितना एनर्जी रिलीज होता है। फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रिस्पायरेशन होता है जिसको एनारोबिक रिस्पायरेशन हम लोग करते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर उसमें कितना एनर्जी रिलीज होता है, ये कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं और स्टेप्स जो रिस्पायरेशन से पहले हमको कंप्लीट होना है, उसको अच्छी तरह समझ लेना है। तो आप इसको रिपीट करें, एक दो बार वीडियो को देखें, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और स्टडी आप कंटिन्यू करते रहें।